अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम कर रहे हैं छोटा सा व्लॉग जो कि है 1000 सब्सक्राइबर्स की खुशी में, छोटी सी सेलिब्रेशन है। तो इस रेसिपी को भी ट्राई करें, देखें कितना ज़बरदस्त हमारा आज का खाना तैयार हुआ है। और वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप में से कोई भी हमसे कुछ भी पूछना चाहता है तो हमारे टिकटॉक और इंस्टा पे हमें जाके फॉलो करें, वहाँ जाके पूछ सकते हैं। वेलकम टू माई नवी वीडियो। हम एक मीडियम साइज का प्याज जो है वो डाल के फ्राई कर लेते हैं। प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो रहा है और 1 टीस्पून हम इसमें ये लहसुन का शामिल करेंगे। कटा हुआ लहसुन है ये, छोटा छोटा आप इसको काट लें। ये ऐसे ही अच्छा लगता है। अभी साथ में हम इसके एक मशरूम का कैन जो है वो इसमें शामिल करेंगे और इसका पानी निकाल और ये अच्छी तरीके से मशरूम जो है ना वो प्याज और लहसुन के साथ फ्राई करेंगे। तो आज का लंच जो है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें मैदा जो है वो शामिल करेंगे और मैदे को अच्छी तरीके से हम जो है वो इसके साथ जो फ्राई करेंगे। मैदे को अच्छी तरीके से हम इसके साथ मशरूम्स और प्याज लहसुन के साथ भून लेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। एक कप के करीब हम इसमें दूध शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और मैदा ताकि इसमें मिक्स हो जाए। आंच को थोड़ा तेज कर लेते हैं और मैदा इसमें ताकि दूध के साथ वो मिक्स हो जाए। और साथ साथ आपने फिर दूध शामिल करना है। क्योंकि ये सॉस जो है वो गाढ़ी होगी तो इसलिए पहले आपने थोड़ा थोड़ा दूध करके शामिल करना है ताकि मैदा जो है वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये भी आपको पतली लग रही है लेकिन ये जब पकेगी तो ये अच्छी खासी गाढ़ी हो जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स और मेरी वीडियोस कैसे वायरल हुई हैं तो मुझे कमेंट करें और मुझे इंस्टा पे और टिकटॉक पे जाके मैसेज करें। 1 टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट की शामिल करेंगे या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसमें सॉल्ट शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। 1 टेबल स्पून हम इसमें काली मिर्च की शामिल करेंगे क्योंकि इसमें काली मिर्च का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये इसके साथ ही पक जाए। ये सॉस बहुत ज़बरदस्त लगती है, आप ये बर्गर्स में यूज़ कर सकते हैं, सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी स्टेक के ऊपर भी आप इसको डाल के खा सकते हैं। ये सॉस जो है वो हल्की हल्की गाढ़ी होने लग चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे क्रश चिली। ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं क्रश चिली को, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। जी देखिए सॉस हमारी थिक होने लग गई है। इस टाइम पे आप इसको चेक कर सकते हैं, नमक मिर्च अगर आपको कम या लगे तो आप इसको और डाल सकते हैं। और उसके बाद एंड पे जाएगा इसमें ऑरिगेनो लीव्स, वो हम इसमें डालेंगे
उससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा जस्ट आता है। तो ये हमारी सॉस जो है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। एंड पे हम इसमें जो क्रीम है वो शामिल करेंगे और 4 से 5 मिनट हम इसको सॉरी 2 से 3 मिनट हम इसको और पका लेंगे। तो हमारी सॉस बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखिए जी, हमने अपना चिकन मैरिनेट किया है फटाफट से। इसमें हमने 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो राइस फ्लोर डाला है, सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाली है, लेमन जूस डाला है और ऑलिव ऑयल डाला है इसको, और थोड़ा सा हमने टिक्का मसाला डाला है इसमें, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, वो ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। तो ये हमने फटाफट मैरिनेट करके रख ली है और क्योंकि टाइम कम है और जल्दी से हमने खाना बनाना है, तो बस ये मैरिनेट हो, तो बस इसको हम तवे पे भी बना सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसको इसलिए एयर फ्रायर में जल्दी से इसको मैं बना लेती हूँ। तो ये मैंने अपने पीसेस इसमें डाल लिए हैं, तो चलें इसको पकाते हैं। ये देखें जी, चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसको निकाल देते हैं प्लेट में। थोड़ी सी फ्रोजन वेजीज हैं, इनको भी हम जो है वो एयर फ्रायर में थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर डाल के इनको भी हम 5 मिनट भी रख लेते हैं। ये देखें जी, मेरे पास 3 बॉइल्ड पोटैटोज हैं और इसको करीब कर लेती हूँ, ठीक है, और इनको मैं जो हूँ वो ये गर्म गर्म है और इनको मैं ऐसे मैश कर लेती हूँ, क्योंकि आज का जो खाना है उसके साथ मैश पोटैटोज बहुत यमी लगते हैं। तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट और जाएगी वाइट पेपर, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर जाएगी और 1/2 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर का डालेंगे। इसमें जाएगी जी चीज और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये हमने इसमें 2 to 3 टेबलस्पून क्रीम की शामिल की है साथ में, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मेरे पास येलो वाली चीज़ थी, मैंने वो डाली है, आपके पास कौन सी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और हमारा खाना बिल्कुल बस देखें रेडी हो गया। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने अपने चैनल की SEO कैसे की, अपने चैनल कैसे बनाया है, तो मुझे मैसेज करके बताएं, कमेंट करके बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में व्लॉग बनाऊं, तो मुझे ज़रूर इस बारे में बताएं ताकि मैं आपको बता सकूं। तो चलें, मैंने इसमें राइस जो है वो डाल लिए हैं और साथ ही अब हम बाकी की चीज़ें भी इसमें डालते हैं, साथ साथ ऐड करते हैं। साथ ही आ गया हमारा स्टेक, ज़बरदस्त सा स्टेक हमारा तैयार हुआ है, सही जूसी था ये, बहुत यम्मी बना था ये। और इसके साथ अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी क्रीम, मशरूम क्रीम सॉस, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनी थी। ये देखें कितनी थिक और कितनी क्रीमी है ये। यहाँ पे मैश पोटैटोस, और ये आ गई हमारी वेजीज। और ये आ गए हमारे इधर बीन्स।
तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त खाना आज का हमारा रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। मिलते हैं एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।